हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट केयर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लेसिक्स इंजेक्शन या फिर फ्रूसामाइड इंजेक्शन के बारे में जानकारी। आज हम जानेंगे लेसिक्स इंजेक्शन की यूजेज क्या है और इसके डोजेज, और इसके साथ साथ लेसिक्स इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो कंप्लीट जानकारी पाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हेल्थ केयर रिलेटेड ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगी। इस चैनल पर मैं अपने तरीके से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लेसिक्स इंजेक्शन जो एक 4 ml का एम्पूल है जिसके अंदर फ्रूसामाइड 10 mg होता है, जिसका यूज हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। फ्रूसामाइड जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है, इसके साथ साथ इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर के द्वारा कभी कभार एडेमा की प्रॉब्लम में किया जाता है, मतलब या फिर बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट का ज़्यादा हो जाना, मतलब शरीर के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाना, उस मात्रा को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जो कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद यूरिन के माध्यम से वो पानी बाहर निकल जाता है और पेशाब की समस्या होने पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यूरिन का ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर या मूत्र मार्ग में अवरोध होने पर इसका उपयोग करने से पेशाब आना शुरू हो जाता है, बट पेशाब की समस्या में इस इंजेक्शन का उपयोग करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसको लो बीपी में लगाया गया, अगर लो ब्लड प्रेशर के अंदर इस इंजेक्शन का उपयोग किया गया तो ये पहले से ब्लड प्रेशर को तो डिक्रीज करता ही है, तो बीपी बिल्कुल लो हो सकती है जिससे पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। तो इस इंजेक्शन का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें या फिर अपने फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें। इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर की देखरेख में ही किया जाता है। अगर इसकी डोजेज की बात करें तो इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है या फिर स्लो इंट्रामेनस लगाया जाता है, जो कि जिसका मतलब कि लेसिक्स इंजेक्शन को ड्रिप के अंदर डिजोल्व करके लगाया जाता है। ज़्यादातर इस इंजेक्शन को आरएल ड्रिप के अंदर, मतलब कि रिंगर लैक्टेट ड्रिप के साथ लगाया जाता है, जिससे पेशाब की समस्या में आराम मिलता है। ये इंजेक्शन बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन की हेल्प से बाहर निकालने का काम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। इसका उपयोग लीवर और किडनी जैसी डिजीज में भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं लेसिक्स इंजेक्शन के बेनिफिट्स के बारे में। इस इंजेक्शन के 2 benefits हैं जो आपको मैंने पहले बताया है, कि जो पहला बेनिफिट्स है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, और दूसरा जो है एडेमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है, मतलब पेशाब की समस्या में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में ये ब्लड वेसल्स या फिर हार्ट के अंदर केमिकल्स के इफेक्ट को ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, और दूसरा जो है लेसिक्स इंजेक्शन यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं लेसिक्स या फ्रूसामाइड इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। पहला जो साइड इफेक्ट्स है डिजीनेस, और दूसरा है वीकनेस हो सकती है, और तीसरा है डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इसीलिए इस इंजेक्शन को आरएल ड्रिप के अंदर लगाया जाता है, जिससे कि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। और तीसरा जो है डिक्रीज पोटेशियम लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम लेवल वगैरह होते हैं, वो डिक्रीज भी हो सकते हैं, या फिर ब्लड का यूरिक एसिड बढ़ सकता है, या फिर ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का लेवल भी डाउन हो सकता है, और थ्रस्ट भी इंक्रीज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी फ्रूसामाइड इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसी प्रकार से किसी दूसरे टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम उस पर वीडियो बना सकें और हमारे चैनल पर अपलोड कर सकें।